वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। उम्मीद होगी आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। आज हम जो एक नया वीडियो लेके आए हैं उसमें आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि अक्सर आपके एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। हमारा मकसद इस वीडियो को लाना यही है कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए जाए, जिससे आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगले 13 से 14 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाइए और अपना सारा ध्यान इस वीडियो में केंद्रित कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिसका सही जवाब सोचने के लिए 5 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूध उत्पादन सबसे अधिक कौन से देश करता है? ध्यान रहे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन सबसे अधिक कौन से देश में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति क्षमा दान किस आर्टिकल के अंतर्गत देता है? राष्ट्रपति क्षमा दान किस आर्टिकल के अंतर्गत देता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जिसका सही जवाब है आर्टिकल 72। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? ध्यान रहे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूरे वर्ल्ड में, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या गुजरात? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल क्षमादान किस आर्टिकल के अंतर्गत देते हैं? राज्य के राज्यपाल, इसका सही जवाब है आर्टिकल 161। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 13 अगस्त को, जो हाल ही फिलहाल गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त, इनको भारतीय नेपोलियन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर जो कि बिहार में है, आपको तो पता ही होगा, और इसका सही जवाब है 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे, इनका रिलीजियन पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म के। दसवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है ये, चोरी चोरा कांड, आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही है, कॉमन भी है बहुत ज्यादा, जिसका सही जवाब है 1922। चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने फोन के इंटरफेस बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपके लिए 11th क्वेश्चन है, 50 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा 50 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, तो इसका जवाब तो बिल्कुल पता ही होगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर रिजर्व बैंक के, और प्रेजेंट में रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? उस क्वेश्चन में 50 रुपए के नोट पे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में 1 रुपए के नोट के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वित्त सचिव, और प्रेजेंट में वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए गए हंटर कमीशन ने निम्न में से किसके विषय में इन्वेस्टिगेशन की थी?
किए गए हंटर कमीशन ने निम्न में से किसके विषय में इन्वेस्टिगेशन की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ज्यादा इजी और सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है बिल गेट्स को। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आप लेखक कह लीजिए, रचयिता कह लीजिए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? जो है, ठोस है, एक घोल है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो यानी कि लिक्विड है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 15, 5, 10 या 30? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सेना ने कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी क्या है? ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि मणिपुर की राजधानी क्या है, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ध्यान जरूर रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए। पूछा जा रहा है कौन सा अनशन किया उन्होंने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आमरण, जिसका मतलब होता है या तो आप मेरी बात मानो या तो मैं मरते दम तक अनशन करते रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और सही जवाब है अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन के बारे में भी आपने काफी बार सुना होगा, इस टॉपिक के बारे में। सही जवाब है खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? इस क्वेश्चन के लिए तो 5 सेकेंड देना भी ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल इसका सही जवाब आपके मुंह पे ही होगा। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ध्यान रहे, पूछा जा रहा है कि कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता है उस स्थान पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, काफी बार आपने इस फेमस नृत्य के बारे में सुना होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। कथकली केरल का राज्य शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि डांस है। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? पीत रस यानी कि बाई कहाँ पे पैदा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब है 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है? रबर का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, तो
सही जवाब है केरल, ये रबर का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर के बारे में भी काफी बार आपने सुना है, काफी फेमस मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे पे महाकालेश्वर नदी स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम यानी कि पहला लड़ाई कब लड़ी गई थी? सही जवाब है 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी, के या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे? तो इसका सही जवाब है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदल दिया गया? अगर आपको पता होगा तो असम की राजधानी पहले शिलोंग थी, जो बाद में बदल करके दिसपुर कर दी गई। तो ये हुआ था 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। 40वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए, पके हुए आम में विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट वीडियो के क्यू फॉर यू में, कि हाथी की गर्भकाल कितने दिनों की होती है, यानी कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, लगभग 624 दिनों की। तो आज के क्यू फॉर यू में आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अगर आपको सही जवाब पता है तो करना ये है, सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइए, क्यू फॉर यू मेंशन कीजिएगा, उसी के साथ अपना सही जवाब लिख दीजिए। और लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, हमें बहुत खुशी हुई थी, उसके लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को भी आप पसंद करते हैं, पसंद आया है, तो इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम बड़े ही मेहनत से आपके लिए नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, धन्यवाद।